हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास नाइन्थ मूवमेंट्स का यूनिट फाइव द हैप्पी प्रिंस। एक प्रसन्न राजकुमार एक स्टोरी है, एक स्टैचू और एक स्वालो दोनों के बीच की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और जानते हैं क्या होता है स्टोरी में। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस था वो एक खूबसूरत सा पुतला था। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, और वह सोने से ढका हुआ था। ही हैड सफायर्स फॉर आईज, उसकी आँखों के लिए सफायर्स थे, नीलम थे, एंड अ रूबी इन सोर्ड, और उसकी तलवार में एक रूबी लगा हुआ था। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड गोल्ड दैट ही हैड, और वो अपना जो सारा सोना था एंड हिज पीसेस स्टोन, उसके जो कीमती वो पत्थर थे नीलम और मणिक जो थे, उन्हें वो क्यों हटाना चाहता था या किसी को देना चाहता था। तो पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। हाई अबव द सिटी, शहर से ऊंचा, ऑन अ टॉल कॉलम, एक ऊंचे से कॉलम पर, स्तंभ पर, स्टूड अ स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उसके ऊपर एक प्रसन्न राजकुमार का जो स्टैच्यू था, जो पुतला था, वो खड़ा हुआ था। शहर से ऊंचा एक लंबे कॉलम पर, एक लंबे स्तंभ पर या ऊंचे स्तंभ पर एक प्रसन्न राजकुमार का पुतला लगा हुआ था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और वह अपने चारों ओर या चारों तरफ से जो एक उत्तम क्वालिटी का सोना था उसकी पतली पतली पत्तियों से गिल्डेड ढका हुआ था। फॉर आइज, उसकी आँखों के लिए, ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स, उसकी आँखों के लिए दो चमकीले नीलम थे, एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोर हिल्ट, और उसकी तलवार की मूठ पर हिल्ट में एक बड़ा सा जो लाल रंग का मणिक था वो क्या कर रहा था, चमकता था। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो, कि उस रात या एक रात उस शहर के ऊपर एक छोटा स्वालो पंछी उड़ा। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, और उसके जो दोस्त थे स्वालो पंछी के, वो मिस्र के लिए 6 हफ्ते पहले ही जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वह पीछे छूट गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और अब उसने भी इजिप्ट या मिस्र जाने का निश्चय कर लिया था। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट, और रात के समय, एट नाइट टाइम, रात के समय ही अराइव्ड एट द सिटी, वह शहर पहुंच गया। वेयर सेल आई पुट अप ही सैड, उसने कहा कि मैं कहाँ पुट अप उतरूं। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशन, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये नगर है वो तैयारियों में लगा है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उसने ये सोचा या कहा कि नगर जो है वो सोने की तैयारी में ही है। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, और उसके बाद उसने एक ऊंचे स्तंभ पर उस स्टैचू को देखा, उस पुतले को देखा। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ रुकूंगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, उसने कहा कि एक अच्छी है जगह है, स्थिति है जहाँ बहुत सारी ताज़ी हवा है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और वह उस हैप्पी प्रिंस जो मूर्ति थी उसके पैरों के बीच में अलाइटेड उतर गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने चारों ओर देखा तो उसने खुद से धीमे से कहा कि मेरे पास क्या है, एक सुनहरा शयन कक्ष है। एंड और ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह सोने की तैयारियां करने लगा। बट लेकिन जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग,
A last drop of water fell on him. जैसे ही वह अपने सिर को अपने पंखों के अंदर रखने ही वाला था, तभी एक a last drop of water, पानी की एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर फैल गिरी. What a curious thing, उसने कहा कितनी अजीब बात है. He cried, वह चिल्लाया, there is not a single cloud in the sky, कि आकाश में तो एक भी बादल नहीं है. The stars are quite clear, और जो तारे हैं वो भी कैसे हैं, पूरी तरह से साफ एंड ब्राइट और चमक रहे हैं. And it is raining, और तब भी बारिश हो रही है. Then another drop fell, तभी दूसरी बूंद गिरी. What is the use of a statue, उसने कहा कि इस स्टैचू का, इस पुतले का क्या महत्व. If यदि it cannot keep the rain off, he said, यदि ये बारिश को नहीं रोक सकती है तो इस पुतले का क्या महत्व है, ऐसा उसने कहा. I must look for a good chimney pot, उसने कहा मुझे और कोई बढ़िया सा चिमनी पॉट देखना पड़ेगा. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वह उड़ने के लिए संकल्पित हो उठा, या उसने उड़ने का निश्चय कर लिया. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, लेकिन अपने पंखों को खोलने के पहले अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी. एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर की ओर देखा. एंड सा, और देखा. आह, व्हाट डिड ही सी, अरे उसने क्या देखा. द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, कि उस प्रसन्न राजकुमार की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी थी. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू थे वो उसके सुनहरे गालों से रनिंग डाउन लुढ़क रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वालो वॉज फिल्ड विद पिटी, उसका जो चेहरा था वो चंद्रमा की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जिससे उस जो छोटा सा स्वालो पंछी था वो दया से क्या हो गया, भर गया. हु आर यू, ही सेड, उसने पूछा या कहा तुम कौन हो. तो स्टैचू ने कहा आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक प्रसन्न राजकुमार हूँ. वाई आर यू बीपिंग देन, आस्क द स्वालो, तो सोलो ने पूछा कि तब तुम क्यों रो रहे हो. यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, और तुमने मुझे पूरी तरह से क्या कर दिया है, ड्रेंच भिगा दिया है. वेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू, उस स्टैचू ने, उस पुतले ने ये उत्तर दिया कि जब मैं जिंदा था तो मेरे अंदर क्या था, एक ह्यूमन हार्ट था, मानवीय दिल था. आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर वर, और मुझे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. फॉर, क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं एक राजमहल में रहता था. वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, और जहाँ पर दुखों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी. माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो दरबारी थे वो मुझे प्रसन्न राजकुमार के नाम से बुलाते थे. अनहैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में मैं बहुत खुश था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं ऐसे ही जीवित रहा और ऐसे ही मर गया. एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, और जब अब मैं मर गया तो उन्होंने मुझे यहाँ स्थापित कर दिया इस ऊंचाई पर. दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, जहाँ से मैं अपने इस शहर की जो अगलीनेस है, बदसूरती है और जो गरीबी है वो देख सकता हूँ. एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, और यद्यपि मेरा जो दिल है वो शीशे का बना हुआ है. इट आई कैन नॉट चूज बट बीप, ठीक है ना, तो मैं केवल रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता. वाट, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वह ठोस सोना नहीं है. सेड द स्वालो, ऐसा स्वालो ने कहा टू हिमसेल्फ, खुद अपने आप से.
सॉलोन ने अपने आप से कहा, क्या वो ठोस सोने का नहीं है? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, ठीक है ना। और वह कोई भी जो पर्सनल रिमार्क थी, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ थी, उनको करने के प्रति बहुत विनम्र था, यानी कि वो किसी को भी ऐसे ताने नहीं मारता था। फार अवे, दूर, बहुत दूर, या दूर कहीं, कंटिन्यूड द स्टैच्यू इन द लो म्यूजिकल वॉइस, उस स्टैच्यू ने एक धीमे संगीतमय स्वर में आगे बताया कि बहुत दूर, कहीं दूर, फॉर अवे इन द लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, देर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब घर है, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उनमें से या उसकी खिड़कियों में से एक खिड़की खुली हुई है, एंड थ्रो, और इससे इट आई कैन सी अ वीमन सीटेड एट अ टेबल, मैं एक महिला को एक टेबल पर बैठा हुआ देख रहा हूँ या देख सकता हूँ। हर फेस इज थिन एंड वन, और उसका जो चेहरा है वो दुबला पतला और थका हुआ है। एंड सी हैज कॉर्सेस अ रेड हैंड, और उसके जो हाथ हैं वो कैसे हो गए हैं, भद्दे हैं और लाल हैं। एंड प्रिक्ड बाय द नीडल, और जो सुई है उससे क्या हो गए हैं, चुभे हुए हैं। फॉर सी इज अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जन है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन द सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, और वो एक दर्जन है और वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन सैटिन गाउन ऑफ द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू बेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट वॉल, कि जो एक अगले दरबार में, जो कोर्ट वॉल में, या यूं कहा जाए कि दरबार में जो एक नृत्य होना है उसमें पहनने के लिए जो रानी की सबसे प्रिय सेविका है उसके सैटन के गाउन में फूलों की कढ़ाई कर रही है। इन अ बेड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, और कमरे के कोने में एक बिस्तर पर, हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, उसका जो छोटा सा लड़का है वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ फीवर, उसे बुखार है, एंड इट आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वह अपनी माँ से उसे संतरे देने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन उसकी माँ के पास उसे नदी के जल को देने के अलावा और कुछ नहीं है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ट, तो प्रिंस कहता है कि स्वालो स्वालो छोटे से स्वालो, क्या तुम मेरी इस तलवार की जो रूबी है उसे नहीं देने नहीं दोगे। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडस्टल, और मेरे जो पैर हैं वो स्तंभ से बंधे हुए हैं, एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं गति भी नहीं कर सकता। तो स्वालो बोलता है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि मेरा मिस्र में इंतजार किया जा रहा है। सेड द स्वालो, ऐसा स्वालो ने कहा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, और जो मेरे मित्र हैं वो नील नदी तक आवाजाही कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वो बड़े बड़े जो कमल के फूल हैं उनसे बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्द ही वो सोने के लिए जाएंगे। द प्रिंस आस्क द स्वालो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, जो प्रिंस था उसने स्वालो से एक रात अपने साथ रुकने और उसका दूध बनने के लिए कहा। द बॉय इज सो थर्स्टी, वह लड़का बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, उसकी जो माँ है बहुत दुखी है। ही आस्क, उसने ऐसा कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वालो, उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे वो लड़के पसंद हैं। ऐसा स्वालो ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, और मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड,
लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था, प्रसन्न राजकुमार था, वो है उदास दिखा, इतना उदास दिखा दैट कि द लिटिल स्वालो वाज सॉरी, कि उस छोटे से स्वालो को दुख हो गया या वो दुखी हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यह बहुत ठंडी है, ही सैड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन वह उसके साथ एक रात रुकने और उसका दूध बनने के लिए सहमत हो गया। थैंक यू लिटिल स्वालो, सैड द प्रिंस, धन्यवाद नन्हे स्वालो, ऐसा प्रिंस ने कहा। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट टू बी फ्रॉम द प्रिंस सोड, उस छोटे से स्वालो ने उसकी राजकुमार की तलवार से उस बड़े से नीलम को, उस रत्न को निकाल लिया। एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बैग, उसे अपनी चोंच में दबा करके वो ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, शहर के छतों के ऊपर से उड़ गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वह जो चर्च का मीनार थी उसके वहाँ से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्प्टेड, जहाँ पर एक सफ़ेद संगमरमर की जो दूध की आकृतियाँ थीं, जो मूर्तियाँ थीं, उनको उकेरा गया था। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, वह राजमहल के पास से गुजरा और उसने नाचने की ध्वनि को सुना। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, और एक सुंदर सी जो लड़की थी वो अपने प्रेमी के साथ में बालकनी पर आई थी। उसने कहा, उस लड़की ने, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट वॉल, उसने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो ड्रेस है वो राजकीय जो नृत्य समारोह है तब तक तैयार हो जाएगी। सी सैड, उसने ऐसा कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट बट द सीम स्ट्रेस आर सो लेजी, उसने कहा कि मैंने इस पर जो फूल हैं, फूलों को या फूलों की कढ़ाई करने का आदेश दिया था दिया है, लेकिन जो दर्जन है वो बहुत ही कैसी है, सुस्त है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदियों के ऊपर से गुजरा। एंड सा, उसने देखा, द लालटेन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, कि जो लालटेन है वो जहाज़ों के जो खंभे हैं उन पर लटक रहे थे। एट लास्ट, और अंत में, ही केम टू द पुअर विमेंस हाउस, वह उस बेचारी महिला के घर पहुंचा। एंड लुक्ड इन, उसने अंदर देखा। द बॉय वाज टोजिंग फेवरेसली ऑन हिज बेड, जो लड़का था वो अपने बिस्तर पर बुखार से तड़प रहा था। एंड द मदर हैड फेलन स्लीप, उसकी जो माँ थी वो सो चुकी थी। सी हैड सो टायर्ड, वह बहुत थक गई थी। इन ही होप्ड, इस आशा से, एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द विमेंस टेम्पल, और सॉरी, इन ही होप्ड, वह अंदर फुदक कर गया। यहाँ होप का मतलब आशा नहीं है, फुदकना है। और उसने जो वो बड़ी रूबी थी वो उसके टेबल के जो बगल में जो एक विमेंस टेम्पल पड़ी हुई थी, जो सुइयों की टोपी पड़ी हुई थी, उसमें उसे लैड गिरा दिया। देन उसके बाद ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, उसने उस बिस्तर का एक विनम्रता या धीमे से चक्कर लगाया। फैलिंग द फोर वॉइस फोर हेड विद हिज विंग्स, और अपने पंखों से उस लड़के के माथे पर हवा की। हाउ कूल्स आई फील, सैड द बॉय, लेकिन ने कहा कि आहा कितनी ठंडक है, या मैं कितना ठंडा महसूस करता हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, और उसके बाद वह एक मीठी नींद में सो गया। देन द स्वालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वापस हैप्पी प्रिंस तक उड़कर गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने उस राजकुमार को बताया कि उसने क्या किया था। इट इज़ क्यूरियस, उसने कहा, बड़ा ही अजीब है। ही रिमार्क, ऐसा उसने टिप्पणी की, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि बहुत ठंड है तब भी मैं बहुत गर्माहट महसूस
करता हूँ। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है, ऐसा प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वालो बिगिन टू थिंक, और जो छोटा पंछी था, स्वालो था, वो सोचने लगा। एंड देन फेल स्लीप, और उसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, कि सोचना हमेशा ही उसे उनींदा बना देता था। When day broke, जब दिन निकला, he flew down to the river, वह नदी तक उड़कर गया। And had a bath, और उसने स्नान किया। Tonight, आज रात, I go to Egypt, मैं मिस्र जाऊंगा, said the swallow, ऐसा swallow ने कहा। And he was in high, और उसके बाद वह एक तीव्र spits at the prospect, और वो एक भविष्य की आशा से भर गया। He visited all the monument and sat a long time on the top of the church steeple. उसने सारी जो स्मारकें थीं उनका भ्रमण किया, और लंबे समय तक वह मीनार के जो चर्च की मीनार थी, स्टीपल जो था, उस पर टॉप पर उसके जो शीर्ष था उस पर बहुत देर तक बैठा रहा। When the moon rose, जब चंद्रमा निकला, he flew back to the happy prince. वह वापस हैप्पी प्रिंस या प्रसन्न राजकुमार के पास उड़कर गया। Have you any commissions for Egypt? He cried. वह चिल्लाया कि क्या तुम्हारे पास मिस्र के लिए कोई संदेश है? I am just starting. मैं जाने वाला हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Swallow, swallow, नन्हे से swallow, ऐसा प्रिंस ने कहा। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द स्वालो, कि मिस्र में मेरा इंतजार किया जा रहा है, ऐसा उस स्वालो ने कहा। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, स्वालो स्वालो नन्हे से स्वालो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। फार अवे अक्रॉस द सिटी, कि शहर के पार बहुत दूर, आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, कि मैं एक युवा आदमी को एक गैरेट में, एक अटारी में देख रहा हूँ। ही इज लीनिंग ओवर द डेस्क कवर्ड विद पेपर, वह टेबल के ऊपर झुका हुआ है और पेपरों से ढका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके बगल में जो ग्लास है, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट, उसमें मुरझाए हुए जो वायलेट हैं, लिलीज हैं, वो उनका गुच्छा पड़ा हुआ है। हिज हेयर वर ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल हैं वो भूरे और घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट, और उसके जो होंठ हैं वो अनार के जैसे लाल हैं। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसकी बड़ी बड़ी स्वप्निल आँखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वह थिएटर के एक जो डायरेक्टर है उसके लिए उसका जो एक नाटक है वो समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वह और अधिक नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत ठंड है। देयर इज नो फायर इन द गैरेट, और उस ग्रेट और उसकी अंगीठी में कोई भी आग नहीं है। एंड हंगर हैड मेड हिम फेंट, और जो भूख है वो उसे बेहोश कर रही है, या भूख ने उसे बेहोश कर दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, शायद द स्वालो, स्वालो ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसका सच में बहुत अच्छा दिल था। ही आस्क इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू यंग प्लेराइट, उसने पूछा कि क्या वह उसका दूसरा रूबी उस यंग नाटककार के लिए ले जाएगा या उसे ले जाना चाहिए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ,
उसने कहा कि दुख है कि मेरे पास अब रूबी नहीं है, सेड द प्रिंस। ऐसा प्रिंस ने कहा, माय आईज आर ऑल दैट आई हैव लेट, अब मेरे पास केवल आंखें ही बची हैं, दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स, और वे दुर्लभ रूबी से बनी हुई है, नीलम से बनी हुई हैं, विच वर जिनको ब्रोथ आउट ऑफ इंडिया अ थाउजेंड्स ईयर्स एगो, हजारों साल पहले भारत से लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द स्वालो, उसने स्वालो को आदेश दिया टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्लेराइट, कि वह इनमें से एक को निकाल ले, चुन ले और उस नाटककार के लिए ले जाए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वह इसे किसी ज्वेलर को बेच देगा, एंड बाय फायरबोर्ड, और जो जलाऊ लकड़ियां हैं वो खरीद लेगा, एंड फिनिश्ड हिज प्ले ही सेड, और उसका नाटक है वो ख़त्म कर देगा या पूरा कर देगा, ऐसा उसने कहा। डियर प्रिंस प्रिय राजकुमार, सेड द स्वालो, ऐसा स्वालो ने कहा, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, एंड ही बिगिन टू बीप, और वह रोने लगा। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांडेड यू, स्वालो स्वालो नन्हे से स्वालो, ऐसा प्रिंस ने कहा, वही करो जो मैंने कहा है या आदेश दिया। सो द स्वालो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई, इसलिए उस स्वालो ने उस प्रिंस की आंखों को या आंखों से उस नीलम को चुन लिया, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, और वह उस युवा आदमी की अटारी की ओर उड़ चला। इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन, इसके अंदर प्रवेश करना बहुत आसान था, एज देर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसकी छत में एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और इससे उस सोलो पंछी ने, जो सोलो पंछी था उसके अंदर डार्टेड घुस गया, एंड केम इन टू द रूम, और रूम में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड वरीड इन हिज हैंड, जो युवा आदमी था वो अपने हाथों को अपने सिर को अपने हाथों के अंदर दबाए हुए था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लैटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसीलिए उसने उस पंछी के जो पंख थे उनकी फड़फड़ाहट को नहीं सुना। एंड वैन ही लुकड अप ही फाउंड द ब्यूटिफुल सैफायर्स लेइंग ऑन द विड्रिल्ड बायलॉट, और जब वह उठा उसने पाया कि एक खूबसूरत सा जो नीलम है वो मुरझाए हुए जो वॉलेट हैं उनमें पड़ा हुआ था। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड, उसने वह चिल्लाया कि मैं या मेरे गुणों की प्रशंसा होने शुरू हो गई है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, और ये किसी प्रशंसक की ओर से है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और अब मैं अपने नाटक को समाप्त कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह बहुत खुश दिखने लगा। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन जो स्वालो था वो बंदरगाह उड़कर गया। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग, और वह एक बड़े से जो जहाज थी बर्तन थी उसके खंभे पर बैठ गया, और वहाँ जो सेलर थे उनको काम करते हुए देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं मिस्र जा रहा हूँ, क्राइड द सोलो, सोलो चिल्लाया, बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एंड वैन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और वापस से हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू विड यू गुड बाय ही क्राइड, वह चिल्लाया कि मैं तुम्हें यहाँ गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। स्वालो स्वालो रिल स्वालो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, स्वालो स्वालो छोटे से स्वालो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ और एक रात नहीं रुकोगे। तो ये था हमारा पार्ट वन, अब क्या स्वालो रुकता है या नहीं रुकता है इसको हम पता लगाएंगे पार्ट टू में। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। कहानी
अभी आधी है। नेक्स्ट जो है पार्ट टू, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या फिर से जो सॉलो पंछी है उसके साथ रुकता है, और रुकता है तो हैप्पी प्रिंस उससे क्या काम करने के लिए कहता है।